नमस्कार, स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा आज की। चर्चा आज की में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ अरशद खान। स्वागत है अरशद जी आपका। जी धन्यवाद। चर्चा आज की में हमारा विषय है, जहां पूरे देश में पशु क्रूरता दिखाई दे रही है, वन्य प्राणी मरते जा रहे हैं, वहीं इंदौर का एक प्राणी संग्रहालय ऐसा भी है जो पूरे देश में वन्य प्राणियों को बचाने की कवायद कर रहा है। क्या कहेंगे अर्शद जी आप? देखिए अभिषेक जी, एक बहुत अच्छी पहल है और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ नगर निगम प्रशासन को, निगम आयुक्त मनीष सिंह को और उनके अधीनस्थ काम करने वाले डॉक्टर उत्तम यादव को, जो जिन्होंने इंदौर के जू को ऐसा डेवलप किया है जो अपने आप में एक पहचान बन गया है। जी, आमतौर पर हम मेट्रो सिटीज में देखते आए हैं कि वहाँ पर जू बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर खुले में वन्य प्राणियों को रखा जाता है, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। आज जो मामला सामने आया है जिसमें डॉक्टर उत्तम यादव ने अपनी टीम के साथ एक अजगर की जान बचाई है, अजगर सांप की जान बचाई है, तो अपने आप में एक यूनिक काम किया है उन्होंने। उसकी सर्जरी की है और सर्जरी इतनी टिपिकल सर्जरी की है जिसके लिए उन्हें तमाम तरह के देशों से तक के संपर्क करना पड़ा, चाहे वो जापान हो या चीन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ को लेकर लोग अवेयर हैं वहाँ के डॉक्टर्स से उन्होंने चर्चा की और उसके बाद इस सर्जरी को अंजाम दिया। उन्होंने अजगर की जो सर्जरी की है उसका एक ट्यूमर निकाला है तकरीबन 300 ग्राम का। तो ऐसी टिपिकल सर्जरी करना अपने आप में एक अच्छी बात भी है और अपने आप में एक ये कहा जाए कि कीर्तिमान भी है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि इंदौर के नाम एक कीर्तिमान हुआ है और कहीं ना कहीं वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर के एक पहल शुरू हुई। अर्शद जी, एक मेरा प्रश्न था वो ये है कि वन्य प्राणियों को लेकर के भारत सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं, पशु क्रूरता अधिनियम की बात करें, वन्य प्राणी संरक्षण की बात करें, जहां एक तरफ चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी सुरक्षित है, जंगलों में असुरक्षित, कहीं बार देखा जाता है कि कई अंधविश्वासों की वजह से, असाक्षरता की वजह से पशुओं की बलि ली जाती हैं, पशुओं के नाखून नोचे जाते हैं। क्या कहेंगे? तो इस तरह के जब चीजें होती हैं तो वन्य प्राणी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह की जागरूकता की और किस तरह के कानूनों की आवश्यकता? और देखिए, कानून तो सरकार ने बहुत सारे बना रखे हैं, यहाँ तक कि विभाग भी बना दिया है जी वन्य प्राणियों को लेकर जी, और मेनका गांधी इस पर हमेशा एक्टिव रहती हैं जी, उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है लेकिन वो सिर्फ भाषण ही देती हैं और सिर्फ ट्वीट ही कर बताती हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। काम असल में डॉक्टर उत्तम यादव जैसे लोग ही करते हैं जिनके दिलों में ये जज्बा होता है कि वन्य प्राणी का को कैसे बचाया जाए, यदि वो घायल है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। हमारे इंदौर के चिड़ियाघर में कई सारे ऐसे पक्षी लाए जाते हैं जो यहाँ वहाँ घायल हो जाते हैं। आपने एक बात कही पंजे की, तो कई लोग उल्लू को सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि उसके पंजों की, उसकी मुंडी की, उसके परों की कुछ आवश्यकता होती है। ऐसी शेरों का शिकार इसलिए कर लिया जाता है कि उनके भी नाखून निकाल लिए जाते हैं, कि उसको पहनने से शक्ति आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और देखिए, पहले के मुकाबले वैसे भी वन्य प्राणियों की संख्या लगातार कम हुई है और होती चली जा रही है, और जो शिकार किया जा रहा है आज भले ही 60 के दशक में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन आज भी कई सारे लोग शिकार खेल रहे हैं जिसके चलते ये वन्य प्राणियों का खात्मा हो रहा है। अभिषेक, आपके पहले वाले प्रश्न पर जाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ मैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंदौर के लिए। ऐसे कई सारे ऑपरेशंस इंदौर में किए जा चुके हैं और इंदौर के चिड़ियाघर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो वन्य प्राणी रहते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। कई सारे शेर यहाँ पर जन्म ले चुके हैं, कई सारे टाइगर्स यहाँ पर जन्म ले चुके हैं, हिरन हैं, ऐसी विलुप्त होती प्रजातियों के जो पक्षियाँ हैं उन्होंने भी यहाँ पर प्रजनन किया है। तो ये भी एक अवेयरनेस है और ये जब आती है जब आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े होते हैं, तो ऐसा डॉक्टर या ऐसा प्रभारी होना निहायत जरूरी है उस चिड़ियाघर में जो वाइल्ड लाइफ को समझता हो और वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखता हो। बिल्कुल, बहुत बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जी। लेकिन क्या किसी डॉक्टर्स ने ये डॉक्टर ने ये पहल की कि किसी पशु का ऑपरेशन किया जाए और से बचाया जाए? और से बचाया जाए, जब आप में ये जज्बा नहीं होगा वन्य प्राणी को बचाने के लिए, आप में जज्बा नहीं होगा तो फिर वो आप जंगल हो चाहे चिड़ियाघर हो। देखिए, कई सारे सीआर भी लाए गए हैं यहाँ पर जी, बिल्कुल, उन्हें भी उनका भी इलाज किया गया है। बाघों का कुनबा भी इंदौर में, बाघों का नहीं, सीआर भी जंगल में, जैसे सड़क पर घायल मिला सीआर तो उसको लाया गया, उसका इलाज किया गया। तो एक आपके मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मुझे वन्य प्राणियों को बचाना है, तो ही आपके लिए कानून भी कारगर होंगे। और बात वही घूम कर आती है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या कहती है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है
एक और बात मेरा प्रश्न ये उठ रहा है, चूंकि वन्य प्राणियों की बात चल रही है और इंदौर के प्राणी संग्रहालय की बात चल रही है, तो ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर दर्शकों में भी इजाफा हुआ है, सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है, पर कहीं ना कहीं खामियां भी नजर आई हैं। एक और चीज है, यहाँ पर देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी भी वन्य प्राणी के पिंजरे को गोद ले सकता है, ऐसा एक नियम है। जी, जी। इस चीज को लेकर के कोई प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रचार प्रसार से कहीं वन्य प्राणियों में और सुविधा की बुनियादी सुविधाओं की जरूरत महसूस होती है? देखिए अभिषेक जी, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है जी, उसने नियम कायदे बना रखे हैं। पहले आप देखते होंगे जब हम छोटे थे तो चिड़ियाघर जब जाते थे तो छोटे छोटे पिंजरों में जानवर हुआ करते थे, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो नियम हैं उनके जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अब शेर का पिंजरा कितना बड़ा होगा ये सेंट्रल जू अथॉरिटी तय करेगा। सियार का पिंजरा कितना बड़ा होगा ये सेंट्रल जू अथॉरिटी तय करेगा, या हिरन का या नील गाय का या एक्स वाई जेड जितने भी वन्य प्राणी हैं उनको रहने के लिए कितना स्पेस चाहिए, उन्हें कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, ये काम करना होगा स्थानीय जू को। अब उस ट्रैक पर करने शुरू हो गया। आपने कहा कि पिंजरे गोद लिए जाते हैं, जानवरों को भी गोद लिया जाता है, तो बिल्कुल ये मैं समझता हूँ पूर्व महापौर डॉक्टर उमाशीष शर्मा के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई थी और कुछ लोगों ने आगे कदम बढ़ाए थे और कुछ जानवरों को गोद भी लिया था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया, और इंदौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल कुछ ऐसा आयोजन करते हैं, कोई जूस वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, वो भी पशु पक्षियों को लेकर काफ़ी अवेयर रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि पक्षियों के लिए क्या अच्छा किया जा सके, उनका शायद वो बर्थडे भी बनाते हैं और बहुत सारे आयोजन करते हैं। तो आपका वन्य प्राणियों से जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक आपको लगाव नहीं होगा, जब तक ना तो आप उनका उनको आप हायर कर सकते हैं या गोद ले सकते हैं, ना ही उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये आपकी ललक और आपकी पसंद होना निहायत जरूरी है। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही कि पशुओं में जब तक प्रेम नहीं होगा, वो भी वन्य प्राणियों की अगर हम बात करें, क्योंकि पालतू पशु तो कहीं पर भी पाले जा सकते हैं, वन्य प्राणियों की जब बात आई तो संरक्षित होने वाली बात अगर आती है अर्षद जी, तो वो केवल चिड़ियाघरों में या फिर बड़े बड़े वन मंडल्स जितने भी बनाए गए हैं वहां पर संरक्षित होते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो पाता जैसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं, नागपंचमी आने के तौर पर जैसे होता है कि सांपों को पकड़ के उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, ये धार्मिक आस्था का मामला जरूर है, बट कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता अंधविश्वास के कारण भी कई वन्य प्राणी अपना जीवन समाप्त करवा चुके थे? देखिए अभिषेक जी, हमारे चैनल पर अगर हम ऐसी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम धर्म विरोधी बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए हर धर्म में कुछ ना कुछ संस्कार हैं, कुछ नियम हैं और कुछ रहा होगा इसलिए लेकिन अब ज्यादातर लोग ये समझने लग गए हैं कि सांप कभी दूध नहीं पीता है। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि सांप अब दूध नहीं पीता है, तो अब हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ 2-4-5 सालों में कि अब वो सपेरे भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, नगर निगम जिला प्रशासन लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करता है और उनसे सांप छीन कर वापस जंगल में छुड़वाता है, क्योंकि वो उन लोगों ने इसको अपने रोजी रोटी बना रखा है, इसके चलते वो हर साल ये काम करते जरूर है। अब हमारे शहर में तो इतना नजर नहीं आता, लेकिन इंटीरियर में अभी भी नाग को दूध पिलाओ की आवाज सुनी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, इसको ये जोड़कर देखा जाए जो आपका प्रश्न है वो बहुत सही प्रश्न है कि क्यों हम वन्य प्राणियों पर क्रूरता करते हैं। बिल्कुल, यदि हम उन पर क्रूरता करते हैं तो क्या हमारा ईश्वर खुश होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक जीव को बिला वजह दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टरों के मुताबिक, वेटनरी डॉक्टरों के मुताबिक यदि सांप दूध पीता है तो मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब सारी चीजें अब धीरे धीरे, और वो हिंसक ना हो इसलिए उसके दांत भी तोड़े जाते हैं, दांत भी तोड़ दिए जाते हैं, तो उसको आप जीते जी ही मार देते हैं जी। जब उसके दांत नहीं होंगे तो वो खा भी नहीं पाएगा, आगे पीछे उसकी मौत होना है, तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है अभिषेक, और उम्मीद की जा सकती है कि देखिए आप और हम जब भी जाते हैं प्रकृति के बीच तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, सुहाना मौसम है, हरियाली है, और वहां पर यदा कदा अगर कोई आपको वन्य प्राणी दिख जाता है तो आप और प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो आप अगर इन चीजों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप में अवेयरनेस होना चाहिए, आप में ये सोच होना चाहिए कि वन्य प्राणी जो वन्य जीव है इनकी वजह से हमारा जंगल है, इन्हीं की वजह से हमारी नदियां हैं, इन्हीं की वजह से सारी चीजें हैं, क्योंकि प्रकृति ने सबका एक सिस्टम बनाया है। शेर शहर में आकर नहीं रह सकता है, हाथी शहर में आकर नहीं रह सकता है, तो आपको जंगलों का भी विस्तार करना होगा और जंगली जानवरों का भी को संरक्षण करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अर्षद जी, आपने अपनी राय रखी। तो ये थे डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ
अर्शद खान, जिन्होंने अपनी राय रखी और ये कहा कि जंगल ही नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा और जीवन नहीं होगा तो पृथ्वी वीरान। ये एक अच्छी कोशिश डॉक्टर उत्तम यादव की, चिड़ियाघर प्रभारी जो हैं इंदौर के, और उन्होंने एक अजगर को आज एक जीवन दान दिया। हम फिर हाजिर होंगे डिजियाना न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही।